हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम नीता बिश्नोई। पान की लीफ है, पान का प्लांट है। ये एक बेलनुमा प्लांट होता है, वाइन फॉर्म में ग्रो करता है। तो ये ग्रो कर गया है मगर अभी इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, इसलिए ऐसे गिरा हुआ है। और अगर सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसके लिए हम लोग ने एक स्टिक ली। स्टिक के ऊपर पूरे में हम लोग ने ऐसे जूट थ्रेड ट्वाइन किया है और ये एक मॉस्टिक बन गई है। और अगर आप इसको गीला करेंगे पानी से तो ये मॉस्टिक जैसे पानी कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि जूट पानी एब्जॉर्ब करता है और कुछ देर रिटेन करता है। तो ये जो पान का प्लांट है ये मॉइस्चर लाइक करता है, और इसमें जैसे मनी प्लांट में सेकेंडरी रूट्स होती हैं वैसे ही इसमें भी सेकेंडरी रूट्स होती हैं। तो जैसे ही ये पानी एब्जॉर्ब करेगा सेकेंडरी रूट से, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, अब इसको हम लोग ने फिक्स कर लिया है। अब ये जो पान का प्लांट है इसको इसके ऊपर ट्वाइन करते हैं, अच्छी तरह लपेट देते हैं गोल 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 करके, और फिर देखते हैं कि इसकी सपोर्ट कैसी है। अब ये रेक्टेंगुलर कंटेनर में बहुत अच्छे से इसमें पूरे मॉस्टिक पे लग चुका है और इसमें इजीली ग्रो करेगा। और जब भी आप इसमें पानी डालेंगे तो ये पूरी स्टिक को भी गीली करेंगे तो ये प्लांट और अच्छा ग्रो करेगा, इसकी लीव्स और बड़ी हो जाएंगी और ये प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएगा। ये पान का पेड़ है, पान की वाइन है और ये पेड़ पे चढ़ रही है। और पान के पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, इनमें सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ये अपने आप पेड़ को पकड़ लेते हैं और बहुत खूबसूरती से इसमें ग्रो करते हैं। जब पेड़ के नीचे ग्रो करते हैं तो इनको ह्यूमिडिटी मिलती है, शेड, दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इनको, जो इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ग्राउंड पे लगा हुआ है जैसे ये लगा है तो ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो करते रहते हैं और बहुत ऊंचे चले जाते हैं। इनफैक्ट पान को ग्रो करने का तरीका भी यही है कि इनमें थोड़ा सपोर्ट लगा देते हैं और या पेड़ों पे ही लगा देते हैं और पेड़ों पे बड़े बड़े पत्ते आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्लांट विंटर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग विंटर्स नहीं बर्दाश्त करता, इसको ह्यूमिड और हल्का सा वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। जैसे ही इसमें फ्रॉस्ट गिरेगा ये एकदम इसकी लीव्स विल्ट कर जाती हैं। तो आप समर्स में इसको हीट से बचाएं, क्योंकि इसको मॉडरेट क्लाइमेट पसंद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोकेशन ट्रीज़ के नीचे अगर देते हैं तो इसको फिल्टर्ड लाइट मिलेगी और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, जल्दी पानी का एवेपरेशन नहीं होगा और कुछ देर पानी इसमें रहेगा। रेगुलरली पानी डालते रहें, क्योंकि अगर पानी इसमें कम हो जाता है तो ये प्लांट बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पानी के अलावा, मॉइस्चर के अलावा और इसकी लोकेशन के अलावा, इसका फर्टिलाइज़र, इसको हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। तो अगर आपने ड्राई लीव्स रखी हैं तो इसको मल्च करके रखिए, जैसे ये मल्च्ड है, इसके ऊपर खाली मल्चिंग के लिए खाली इसके लिए ड्राइड लीव्स ऊपर डाल सकते हैं ताकि ये मॉइस्चर भी मेंटेन रहे और इसको धीरे धीरे, ये जो आपने ड्राइड लीव्स डाली हैं, ये जो ड्राइड लीव्स जैसे ये डाली है ड्राइड लीव्स, ये थोड़े दिनों में ही नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाए। और इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सीवीड ग्रेन्यूल्स डाल सकते हैं और काउडंग मैन्योर इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर कंटेनर में ग्रो किया है तो ज़रूर इसका बहुत ख्याल रखें और रेगुलरली इसको फर्टिलाइज करते रहें। विंटर्स में एकदम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहारों के दिन आते हैं तो अब इसको फर्टिलाइज करना शुरू कर दें आप और ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। क्योंकि अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस टाइम इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, डोमेंसी में चला जाता है, और जब बहार के दिन आते हैं जब थोड़ी वॉर्म्थ आती है एयर में तब इसमें ग्रोथ शुरू होती है। और आप इसको खूब अच्छे से फर्टिलाइज़ करिए,
अगर काउडंग मैन्योर है तो काउडंग मैन्योर, थोड़ा सा सीवीड ग्रेन्यूल्स, और अगर आपके पास थोड़ा सा सरसों खली है तो 1 टीस्पून डाल के इसको 3-4 दिन फर्मेंट करके इसके लिक्विड से आप इसको रेगुलरली हर 15-20 दिन में फर्टिलाइज करते रहिए, और इसकी लीव्स ऐसे ही बड़ी बड़ी ग्लॉसी और बहुत ब्यूटिफुली ग्रो करेगा ये प्लांट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।